मॉर्निंग गाइस, और यहाँ जा रहा हूँ मैं स्कूल। सुबह सुबह आज पहला दिन, बहुत आवाज़ आ रही है, आवाज़ है ब्लॉग में। तो मैं जा रहा है स्कूल, पहला दिन है स्कूल का, और बहुत तूफानी हवा चल रही है। ऊपर से कचरे गिर रहे थे। और मेरे का स्कूल है आज 12 से 3 का। उमेर की बुक भी ले ली है, और फटाफट चलो उमेर। क्या बोले इसको? एक बुक दिला दी मेरे को, एल बुक जिसको बोलते हैं। हाँ, आज थर्सडे है, जाएगा तो टीचर लिखा। उमेर याद है क्या लाना है, क्या नहीं? इसका तो ऑलरेडी सब आ गया। मेरे दोस्त को बोला कि मैं आज से नहीं आया, आज से नहीं आया। रिपोर्ट फर्स्ट डे क्या बोलते हैं, पूरा के रास्ते भेजने वाली थी, फिर तुमने बोले ना। तो मेरे को मैंने लेके आया। हाँ, पता क्यों? बॉटल में तो पानी बदलने की। अच्छा, तो मेरे को मैं लेके आ गया हूँ स्कूल से वापस, छोड़ा भी और लेके भी आया है ना फटाफट। मैं और कैसा गया आज पहला दिन? अच्छा गया। अच्छा गया, अपडे चलो। अच्छा, तो अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से घूमने। एक्चुअली हमारे घर में अभी आ गए थे मेहमान आए थे ना, इसलिए घर पर ब्लॉग नहीं बना पाए। तो अभी वो थोड़ी देर पहले गए, तो मैं उम्र का टाइम हो गया तो लेने आ गया है कि नहीं उम्र? चलो हम लोग निकल चुके हैं और पहुंचे हैं। अरे आते भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अरे बाप रे, तो ये हुआ है बीच रास्ते पर। पर हवा भी कैसी चल रही है, संभाल के देखो कोना ना लगे। बाप रे, पूरा झाड़ गिर गया यहाँ पे बीचों बीच का टूट के। सोचो कैसी हवा होगी। भैया कोने होने से मत चलाओ, उधर से चलाओ तुम। डर लग रहा है मेरे को, झाड़ वाड़ डर लग रहा है मुझे। कोने से मत चलाओ, उस तरफ से चलाओ। बहुत खतरनाक गिरा है, आप लोग भी प्लीज बहुत संभाल के गाड़ी चलाओ, क्योंकि कभी भी कोई भी झाड़ से पुराने है ना, उनके गिरने का बहुत डर लगता है। और साथ ही साथ में बारिश के वक्त में प्लीज संभालो अपने आप को, आराम से चलाता हूं, और अपनी फैमिली को। और हवा ऐसी तेज चल रही है ना, इन झाड़ों का बहुत डर लग रहा है। देख के डर लग रहा है, देख के ही डर लग रहा है। बहुत तेज हवा है। तो सोच समझ के चलाना, और जहाँ ऐसा दिखे गाड़ी पहले ही रुकाना, ठीक है? अल्लाह सबकी हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। क्या करना चाहिए? सपोर्ट देना चाहिए, बांध के उस तरफ। अब तो तुम भी तो झाड़ों के बीच से ही लेकर जा रहे हो, इतने रास्ते होने के बाद तुमको रास्ते नहीं दिख रहे दूसरे? यही रास्ता है शॉर्टकट के चक्कर में। हाँ समझ गई, एक औरत जाएगी दूसरी आएगी। हाँ सही ना। अरे अच्छा दिख रहा है, कहाँ आई? आई थी। देखो बस नजारा। हम लोग रुके हैं अभी इंटरनेशनल शिवाजी टर्मिनल के पास। तो ये उमेर को दिखाने के लिए रुका हूँ, एक प्लेन इसको दिखाने का उड़ा है ना। उड़ेगी जरूर उड़ेगी। कौन सा झाड़? प्लेन के जेब में झाड़ है। हाँ बैठेंगे तुम भी बैठेंगे। तुमने तुम क्या पहुँच रहे हो उसमें हेलमेट में? हाँ अल्लाह, ठोके ना तुमने हेलमेट में, जानो सच्ची बोलना। रुको ना, प्लेन आने वाली है। प्लेन नहीं आ रही है, अपना पाप छुपा रहे हो। हाँ गई बेटा, चालू करती हूँ, इससे पहले तो चली गई ना, मैं भी देखी। चलो जाने दो, नहीं आएगी अपन देखेंगे तो, जब तक अपन पहुंच जाएंगे। चलो दो, फोन आ रहा है। तो ये देखो चालू, कैसा लगा? हवा से जैसा हिल रही है, क्या शॉट रहेगी ना फोन में। तो आप लोगों को शायद दूर दिखे,
पर हम लोगों को नजदीक से बड़ी दिख रही है। ये एयरपोर्ट इसकी थोड़ा सा ऊपर थी, बस यहीं से नजर आ रही है। अगर जरा सा हवा से कुछ भी होता तो डायरेक्ट टूट जाना पूरा। बेटा हवा से जब अपू हिल रहे तो प्लेन कैसा हिलेगी सोच। अरे इतना इतनी ताकत और प्लेन एकदम। यहाँ से देखते नजदीक से जानू लगता कुछ तहकीकात कर रहे हैं। प्लेन इतनी भारी होती है लेकिन हिल नहीं रही है। तो आज पप्पा पप्पी लोग का लास्ट दिन है, रात को ट्रेन से चले आएंगे। तो हम लोग सब जा रहे थे, चाचा फोन करके बुलाए चलो बेंड्रा आओ, तुम लोग भी जा रहे हैं घूमने, फिर रात को मिलके वहाँ से घर आएंगे। तो हम लोग सोचे क्यों ना आज थोड़ा प्लेन ले ले, बहुत मस्त लग रही थी इसीलिए। हाँ लगा कि नहीं इस बार फाइनली जो देखना था देख ली कि नहीं, मजा आया है ना? अभी आएगी कि नहीं आएगी क्या भाई बताएंगे। एक्चुअली भाई जो खड़े हैं उनको मतलब वो कौन सा था एप्लीकेशन है उसमें पता चल रहा है उनको कि प्लेन आ रही कि नहीं आ रही। और एक्चुअली हम लोग यहाँ तुम लोग मजे ले रहे हैं प्लेन के, बाइक में चाबी लगी है और गाड़ी चालू है। देखो कोई अपने एयरप्लेन के चक्कर में लेके भाग जाता था अभी तो। चलो हमारे इधर निकाले, इंडिकेटर देना जरूरी है रोड पे, देखो हाईवे पे खड़े तो इंडिकेटर देना ही पड़ता है। हाईवे पे जब गाड़ी खड़ी करते ना तो इंडिकेटर देना ही पड़ता है, वरना कोई भी आकर ठोक देगा समझे। तो लास्ट प्लेन जाते जाते हम दिखा रहे हैं आपको, जानू भी इंतजार में, जानू ने देखे नहीं ना बराबर से बनाने के चक्कर में, मैंने तो देखा बहुत मस्त लग रही थी लेकिन ना जानू। हाँ भर्ती देखो क्या बोलते जानू, भर्ती तो बहुत है एकदम चढ़ी। और अभी कितने जा रहे हैं, जा रहे जानू मंदिर गए बेंड्रा, ये है शाहरुख खान का घर, ये नहीं है। हाँ तो ये तो बोलू ये नहीं है, ये तो विनेपर क्या कासल है कौन सा क्या बोलते हैं। और ये का घर भी है ना कौन सा था लेकिन मालूम नहीं ना। नहीं यार ये तो बंगला है किसी का, तो बसेरा है ये तो, बसेरा नाम तो याद है जगहों के इंसान नहीं है, नहीं है सरिता भी अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का ये किसका है ये पता नहीं। तो फिर क्यों मार रहे हो देखो बोलते केक की मंजिल कौन सी है भाई, ये केक की मंजिल गर्दी देखो, मन्नत पब्लिक देखो, मन्नत पब्लिक सब देखो इकट्ठा हुई पड़ी है मन्नत के पास। शाहरुख खान है नहीं, और वहाँ देखो दिखाती हूँ चले कहाँ रोके गाड़ी, ऊपर आता है उधर बिल्डिंग है ना पीछे जो बनाया है, आगे तो छोटा मेन बंगला है मन्नत पूरा है, लेकिन पीछे से आगे था। खैर कोई नहीं चलो चलते हैं, गाड़ी लगाओ कहीं पार्किंग। आ रहे वहाँ पानी देखो की तरह लहरें उठ रही हैं। अभी हाई टाइड दिया ना, हाई टाइड दिया है मुंबई में, हाई टाइड दिया है मुंबई में, फिर भी आकर के पानी के पास बैठ रहे तुम लोग। हाँ
देखो ये देखो पूरा भर गया जानू, जहाँ अपन नीचे तक बैठते हैं देख रहे हो, तो बोल रहे हैं हाई टाइड हुआ हुआ है। बाकी समुंदर इतना कभी ऐसा नहीं दिखा जितना आज दिख रहा है उभर के। ऐसा बहुत साल पहले, कुछ साल पहले भी हाई टाइड हुआ था, इसलिए लोगों को मनाया। जाओ ना पेन पार्क करो, अच्छी बात है गाड़ी सेफली खड़ी रही। तो अभी मैं पार्किंग करके आया गाइस, इतना दूर से चल के, और मेरे पास फोन नहीं था, इसके दोनों फोन इसके पास, तो मैं किससे फोन, और मैं इतना दूर से वापस इन लोगों को लेने के लिए आया। मैं बोला क्या करूँ अभी, किससे फोन मांगू, मुझे याद नहीं था ना। और पप्पी पूछ रहे हैं घर किसका है ये वाला, तो मैं बोला ये लोखंड का, सीमेंट का, पत्थर का है, और इंशाल्लाह एक दिन मेरा है। पहले बोला इंशाल्लाह मेरा है, शाहरुख खान भी एक दिन यही बोला था। वही तो इसको मैं बोला वहाँ पे हैंड वॉश पड़ा है, इसको बोला हैंड वॉश कर ले मुँह, ए सैनिटाइज कर लेना मुँह को, मतलब यूपी जाएगी थोड़ा चमकी उमकी की, और क्या दबाएंगे। और यहाँ साहब पीछे से आ रहे हैं, हाँ जो सब लोग साथ में ही है, थोड़ा देखते हैं पहले अंदर जाके देखते हैं। आ रहे हैं अंदर, और सुनने में आया है कि अंदर बंद हो चुका है, बंद 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 बंद, वो बोल रहा है बंद हो गया, शूटिंग चालू है। किस चीज़ की शूटिंग है क्या हमारे सती भाई, आपका शूट है क्या? हाँ मेरे यहाँ से बंद हो गया, क्या हो गया? अरे यहाँ पार्किंग किया हूँ, और यहाँ देखो चाची लोग, क्या चाची तुम लोग आके वहाँ बैठे मन्नत के पास, क्या शाहरुख खान आया था क्या बाहर? हम लोग मन्नत चाय बना रहा था। हाँ ना यार, ये लोग बैठे हैं वहाँ पे, और यहाँ आए तक टाइम चले गया, बंद भी हो गया, जो मेन चीज है वो बंद हो गया। चलो अभी जाके लोग पानी पे मुंह धोएंगे खारे पानी से, और क्या करेंगे, है कि नहीं, खारे पानी से मुंह धो लेना तुम लोग। पूपी तुम एक बॉटल भर लेना, लेके जाना गाँव, पप्पा का धुलाते रहना पप्पा का मुँह। महक बोलती है भैया ये होटल है, बोला नहीं तेरा बगा कारखाना है आरो फिल्टर का। नहीं ये कारखाना है, ये बगा फिल्टर कारखाना है, वाटर फिल्टर एक्सचेंज सर्विस सेंटर कप्पू भाई। नहीं गलत नाम, गुलाम साबिर ये नाम है ना। मुझ तुमने अभी कुछ और बोले, जैसे कैमरा चालू करी तुम्हारी बात पलट गई। फुल भारी चीज एकदम, कैसा लगा आशीर्वाद? देखो इधर सीन मौज दिख रहा है मुझे तुम्हारा। चलो वहाँ चलते क्या, एकदम लास्ट में वहाँ पे जाएंगे, जाएंगे जाने का, जाओ धक्का मारो तुम, जाओ धक्का मारो, ताकि जाओ मारो ना, चल जेल में पड़े, चल बहुत पंजा और तो जो पानी मारो, पानी का बोल देखो कहाँ लगा है, यहाँ पे शूट कर रही है लोग बैठे बैठे। उमेर क्या खिला रहा है, उमेर 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 खिला रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे, तो फाइनली आ गए हम लोग बहुत भटके, वहाँ से इधर उधर घर पे गए, चाची का मस्ती मजाक, खाना पीना खाया वाया, एंजॉय किए, है कि नहीं। फिर अब्बा भी आ गए, फिर अब्बा जाएंगे रात को छोड़ने के लिए बुआ को, तो हम लोग ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि चार्जिंग भी नहीं थी ब्लॉग में, और ऑलरेडी ब्लॉगिंग चालू थी, है कि नहीं। तो चलिए गाइस, हाँ सेम सेम हो जाता है, वैसे भी बहुत सारे लोग बोर हो रहे हमारे ब्लॉग से, पता नहीं क्यों, वही चीज़ें हम दिखा रहे हैं, बट खाली घर चेंज है, और हमारी थोड़ी हालात पहले कुछ अलग थे, है ना सर, है ना, और अभी हालात अलग है। तो लोगों को बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि जैसे आप लोग पुराने ब्लॉग बनाते थे वैसे बनाओ, तो पुराने ब्लॉग के लिए वापस वही घर पर जाऊँ, वापस वही हालात में जाऊँ, फिर वही सोच रही जाकर के झोपड़पट्टी में घर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होता ना, लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर घर वर चेंज होता ही है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, तो फिर वही बात होती है कि आप लोग बोल रहे हो कि मज़ा नहीं आ रहा पुराने ब्लॉग जैसा, पुराने ब्लॉग में मतलब फिर वही कपड़े पहनो, वही कपड़े है कि नहीं, फिर वही हालात में रहो, नहीं थोड़ा देखो आगे बढ़ते तो लोग इंसान थोड़ी चेंजेस होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम लोग को अलग लोग अलग 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 लोगों से मिलना पड़ता है, बड़े मतलब जहाँ जहाँ निकलते हैं थोड़ा अलग लोग मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है सबके, है कि नहीं। अब तो व्लॉगिंग भी उसी हिसाब से अलग हो रही है थोड़ी, फिर भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, अक्सर में गए अलग जगह, कुछ अक्सर गए कुछ अलग दिए, और प्रतीक भाई से मिले कुछ अलग दिए, अक्सर का वीडियो बना बहुत कॉमेडी था। हाँ मैंने वहाँ बहुत तो मतलब दो तीन वीडियो में वहाँ पार्ट में आवाज गायब हो गई थी, मेन पार्ट्स में आवाज चली गई, मतलब ये कैसा बोलते हैं, ब्लॉग देखा जाएगा ना, अच्छा है इंटरेस्टिंग है, पर लोगों को कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से शायद खेल रहे हैं, खेलने दो, चलो कोई बात नहीं,
इंशाल्लाह वक्त चेंज होगा, हालात चेंज होंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स तो मिल ही रहे हैं, अभी भी मिलते हैं, कल भी मिलेंगे, और आप लोग हमारे साथ क्या होता है रोज की अपडेट मिलती रहती है। और मुझे कंटेंट बनाना है, मैंने इतना सब कुछ सोच के रखी हूँ, लेकिन वही है अभी तक 3 वीडियो बनाई हूँ उसी पे साउंड नहीं मिला। 3 वीडियो का है, एक तो डाल दिया, 2 बची है, बस 2 बची है। कॉमेडी वाली इतनी बची है, हां वो आज एडिटिंग कर दूंगा, टेंशन डोंट वरी। चलो 3 है शॉर्ट वीडियो, और ऐसी बहुत सारी सोचें। तो आप लोग बताओ हम लोग कैसा वीडियोस बनाएं, आप लोग कमेंट में करो, अगर वो हमसे पॉसिबल होगा तो हम लोग बनाएंगे, नहीं होगा तो वही ब्लॉगिंग करेंगे। देखो जमीला वाला तो छोड़ देना, जमीला के दाढ़ी आ गई, नहीं तो उससे कुछ नहीं, दाढ़ी नहीं आई तो क्या बना सकता। और दाढ़ी वाली जमीला रहेगी, इतनी खतरनाक दिखेगी। वो अलग पार्लर में गया था, अलग पार्लर में मेरा मुँह खराब हो गया तो मेरी दाढ़ी आ गई, मेरा ट्रीटमेंट खराब हो गया है कि नहीं। अच्छा वो जो रंगीली ने करी थी रंग, तो नया काला रंग निकल कर देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छा दें, बट आप लोग भी ऐसा साथ में छोड़ो, हमारा हमारे साथ रहो, ठीक है ठीक है, साथ रहोगे एकता में शक्ति है, और क्या बोलते अकेले फटती है वाला हिसाब से है कि नहीं। तो प्लीज आप लोग देखो वीडियो तो एंजॉय करो, मजे लो, और बताओ कुछ इंटरेस्टिंग क्या करें आप लोग बताओ, ठीक है फिर हम लोग उस पर कुछ कार्रवाई करें, हम लोग कुछ सोचेंगे कुछ करेंगे अलग, आप लोग बताओ, अगर देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं फिर भी इतना तो अच्छा कर ही रहे। देखो बेचारे मेरे साथ प्रैंक किए, अजमेर जाके आप लोग के लिए अजमेर गए, आप लोग अजमेर दिखाया आप लोग, मतलब ब्लॉगिंग ताकि कुछ अच्छा लगे और आप लोग को इंटरेस्टिंग दिखे। अजमेर गए, अजमेर में नई नई जगह घूमे, अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद में नई नई जगह घूमे, कितने लोगों से मिले फिर भी मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो मतलब आपके दिल गुर्दा कलेजी निकल गए। अजमेर अजमेर का तो हमको भी मालूम है कि सबको मालूम है, लेकिन कितने ऐसे थे मेरे सब्सक्राइबर जो हो गए दूसरे देश के हो गए, जैसे अफ्रीका के हैं, अमेरिका के हैं, या अपना इधर के लंदन साइड के हैं, तो जिन्होंने अजमेर नहीं देखा है, जिनको या बहुत साल हो गए देखे हुए, बहुत साल हो गए देखे हुए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, लोगों को देखने मिल जाता है जरूरी थोड़ी। हाँ सबको मालूम है सब, तो ये सब आप लोगों के लिए हम लोग करते हैं ताकि आप लोगों को अलग लगे, आप लोगों के लिए कुछ अलग मिले, आप लोग कुछ अलग दिखने मिले, आप लोग ऐसा बोलना बहुत आसान होता है, ऐसा कमेंट में लिखना अरे ये क्या बोले दिखा रहा अजमेर के बारे में बता रहे, मालूम नहीं क्या, हमको मालूम है आपको पता है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, हमको भी पता है आपको मालूम है, सबको मालूम है अजमेर के बारे में, लेकिन कैसा ना कुछ देखने मिल जाता है किसी के जरिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको देखने मिल जाता है। दूसरी चीज ये कि हमारा इतना खर्चा होता है, बट फिर भी हम कुछ अलग दिखाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसको एटीट्यूड आ गया है, एटीट्यूड नहीं आया, जो है वही है, एटीट्यूड कहाँ से आएगा, जो है वही दिखता है बस, इसकी बात इनकी स्टाइल ही ऐसी है जो पहले भी वैसी थी अभी भी वैसी थी, तो आप लोग बोलते हैं चेंजेस चेंजेस नहीं है, वो जैसा लगता है किसी को लगता होगा, बट वैसा नहीं है, अपनी सोच की होती है, हाँ नहीं चेंज, बहुत लोगों को लगता है कि अभी पैसे आ गए घूम रहे थे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कपड़ा बदलो ये बदलो, अभी इंसान के पास पैसा आएगा तो अपने आप को थोड़ा चेंज तो करेगा ना, इंप्रूवमेंट लाएगा, घर में लाएगा, खुद पे लाएगा, बच्चों पे लाएगा, घर चाहेगा कि जब कुछ पैसा आए तो घर अच्छा लगे कि हम अच्छे लगे, क्योंकि चार लोग के बीच में उठना बैठना बड़े बड़े लोग तो वैसे रहना, वैसी हालत में तो नहीं जा सकते ना। और पहले मैं वैसी रहती थी, अब जैसी भी हालत में थी बहुत खुश थी, ठीक है, पर उसमें भी आप लोगों ने नुक्स निकाला, बहुत से लोगों ने, आप सबने नहीं, बहुत से लोगों ने नुक्स निकाला, छोटे घर में रहते कैसा घर को रखती है, कैसी है, छोटा घर है, घर चेंज करो, ये करो वो करो, कितना सामान है, कितने गंदे से रहती है, करती है करती, चलो हम लोग ने इम्प्रूवमेंट लाया, हम अच्छे घर में आ गए, अच्छे घर में आए, सामान बढ़ा, सब अच्छे से किया, सब अच्छे से रखा, सब कुछ सेट किया। वीडियो में आप लोगों को शायद पसारे जैसा लगता होगा, पर मेरे घर में, वीडियो में बहुत से लोग बोलते हैं घर बड़ा दिखता है, हाँ। पर रियलिटी में ये घर बड़ा नहीं है इतना जितना आप लोगों को दिखता है, तो चलो यहाँ पे फिर भी सब सेटअप रखा, वहाँ पे भी सब सारा जैसा लगता है आप लोगों को, उसमें भी कितने लोग बोले यहाँ भी गंदगी कर रही, ऐसा रहती है वैसा, अब इसमें भी प्रॉब्लम है ऐसा रहती, ऐसा नहीं होता है। हम कितना इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हमारे बारे में भी तो सोचो, हम कितना मेहनत करते हैं, हम क्या क्या चेंजेस ला देते हैं बोलने पे, फिर भी आप खुश नहीं होते हो, तो फिर या तो जाहिर सी सीधी सी बात है, या तो हमें मतलब खामी नहीं होगी, आपका देखने का नजरिया सही नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग कुछ कंटेंट सोचेंगे, एक मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने बताया क्योंकि ना कमेंट्स जब हम भी पढ़ते ना तो हमको ऐसा रूडली फील होता है, जैसे आप लोगों को हम ऐसा बोलते तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि शायद रूडली बोल रही, पर हम रूडली बोलते नहीं है, वैसा ना हमको भी कमेंट्स में ऐसा फील होता है कि अरे रूडली लिखा है, रूडली भी है। इतनी भीड़ों में हम लोग सोच के खड़े रहकर वीडियो बनाए प्रतीक भाई के लिए, आप लोग के लिए, कि आप लोगों को कुछ देखने मिलेगा, और हमें बहुत सारी पब्लिक भी मिली मुमरा की, बहुत सारा प्यार भी मिला माशाल्लाह, बट आप लोग के लिए करते ना, तो कोई नहीं यार, चलो देखते रहो, लाइक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो घंटा बटन भी दबा देना, और अच्छा लगा तो शेयर कर देना, अगर वीडियो में एक भी चीज़ पूरी वीडियो में अगर एक भी चीज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है नहीं, चलिए फिर बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापिस है, चुइंगम खाओ चबा के,
चलाओ दबा के।